गौमूत्र को लेकर बड़ा दावा। IVRI की रिसर्च में खुलासा। क्यों हानिकारक है गौमूत्र? गौमूत्र के सेवन को लेकर देश में हमेशा से ही एक बहस होती रही है। कुछ लोगों का दावा है कि गौमूत्र के सेवन से शरीर के अंदर की कई बीमारियों का नाश होता है, तो कुछ इसको गलत ठहराते आए हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने इसको लेकर एक रिसर्च की थी, जिसमें दावा किया गया है कि सीधे तौर पर गौमूत्र का सेवन करना शरीर के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। लेकिन खास बात यह है कि इसी रिसर्च में दावा किया गया है कि गाय नहीं भैंस का मूत्र ज्यादा प्रभावी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में भोजराज सिंह और PhD के 3 छात्रों की तरफ से इस संबंध में रिसर्च किया गया। स्वस्थ गायों के मूत्र में कम से कम 14 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें एस्चेरिया कोलाई की मौजूदगी भी पाई जाती है, जिससे पेट में संक्रमण भी हो सकता है। इस रिसर्च में सामने आई बातें ऑनलाइन रिसर्च वेबसाइट रिसर्च गेट में सामने आई हैं। महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, गाय भैंस और मनुष्यों के 73 मूत्रों के नमूनों के एनालिसिस से पता चलता है कि भैंस के मूत्र में जीवाणुरोधी गतिविधि गायों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर थी। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय डेयरी फार्मों से 3 प्रकार की गायों साहिवाल, थारपाकर और वृंदावानी के नमूने इकट्ठे किए, साथ ही भैंस और मनुष्यों के नमूने भी इकट्ठे किए। जून और नवंबर 2022 के बीच किए गए रिसर्च से ये निष्कर्ष निकला कि स्वस्थ व्यक्तियों के मूत्र से बड़ा अनुपात संभावित रोगजनक बैक्टीरिया ले जाता है। उन्होंने कहा, हालांकि हमारी रिसर्च में जो प्रमुख बात पता चली वो ये कि किसी भी स्थिति में मनुष्यों के लिए गौमूत्र की सिफारिश नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सामान्य अवधारणा है कि गाय का दूध एंटीबैक्टीरियल होता है, लेकिन किसी भी सूरत में मूत्र को इंसानों के सेवन के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि गाय के डिस्टिल यानी आसवन यूरिन में हानिकारक बैक्टीरिया होता है या नहीं, इसको लेकर आगे अभी रिसर्च की जा रही है। IVRI के पूर्व निदेशक RS चौहान ने बताया कि गाय का डिस्टल यूरिन कैंसर और कोविड से लड़ने में सहायक है। यानी आसान शब्दों में कह सकते हैं कि गाय का ताजा यूरिन का सेवन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, तो वहीं डिस्टल यूरिन का सेवन कहीं ना कहीं फायदा दे सकता है। गौर हो कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है। ये पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। वर्तमान समय में इस संस्थान में 157 शोध और 44 सर्विस परियोजनाएं चल रही हैं। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन तंत्र पर बहुत ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं संस्थान द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।